का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी। आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी शेरे कश्मीर स्टेडियम में भाषण दे रहे थे, वहां अलग ही माहौल था। राहुल गांधी का ये भाषण भारत जोड़ो यात्रा का समापन भाषण था। इस दौरान बिल्कुल अलग ही माहौल था, कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। एक दिन पहले भी जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया तभी से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ था। उनके भाषण के दौरान भारी बर्फबारी होने लगी, लोग साइड हटने लगे, लेकिन राहुल गांधी टिके रहे और ऐसा टिके रहे कि उस भयानक बर्फबारी ने 35 मिनट तक लंबी स्पीच दी। उनके इस भाषण ने उस बर्फबारी की ठंड में भी सियासी गर्मी बढ़ा दी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं पर अटैक किया। क्या क्या कहा आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी, मगर जब मैं चल रहा था जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी। 14 साल का था, देखिए ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 दिन मैंने जैसे पैदल कश्मीर की यात्रा की, बीजेपी का कोई नेता ऐसे यात्रा कर ही नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर है, बीजेपी डरती है, इसलिए वो कभी मेरे तरह पैदल यात्रा कर ही नहीं सकती है। हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंसा करवाते हैं वे उस दर्द को नहीं समझते, मैं इस दर्द को समझता हूँ, मैंने कई बार इस दर्द को समझा है, महसूस किया है। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए उनके घर वालों पर क्या बीता, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं समझ सकते,
मैं समझ सकता हूँ। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं पापा मर गए। कहते हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे पहले प्रियंका गांधी ने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कश्मीर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने उन्हें और सोनिया गांधी को फोन कर बताया था कि उन्हें अजीब महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे अपने घर जा रहे हैं। जब वे कश्मीर के लोगों से मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गांधी जी से सीखा है कि जीना है तो डरे बिना ही जीना है। मैंने 4 दिन तक यहां ऐसे पैदल चला, मैंने बस यही सोचा कि बदल दो मेरी टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, मुझे प्यार दिया, दिल खोल कर मुझे प्यार दिया, अपना माना, प्यार से आंसुओं से मेरा स्वागत किया। क्योंकि मैं, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वो जितना प्रेशर डालेंगे मैं उतना सीखूंगा। बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कश्मीरियत क्या है ये भी राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकारी घरों में रहा, मेरे पास कभी घर नहीं था, मेरे लिए घर एक स्ट्रक्चर नहीं है, जीने का तरीका है। जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हैं उसे मैं घर मानता हूँ। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है।
और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूँ। राहुल गांधी ने भाषण में ये भी कहा कि मुझे थोड़ा अहंकार था जो अब उतर गया है, कि आसान होगा फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा, शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज खत्म हो गई है और इस यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये स्पीच लोगों को इमोशनल जरूर कर रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनसाइड लाइव।